कल यहाँ अस्पताल परिसर में काफी मारपीट हुई है, जबकि सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर आए तो उनके जाने के कुछ देर बाद की यह घटना है। मामला क्या था? मामला क्या है, मैं कल पेशेंट देख रहा था लगभग 3:10 पे, विवेकानंद मिश्रा जो मेरा एक्सरे टेक्नीशियन है वो क्या नाम है शराब के नशे के धुत होकर आ गया, पेशेंट से बदतमीजी करने लगे, मारपीट होने लगी। अच्छा, मैं पेशेंटों का दोनों लोगों का बचाव कर रहा था, मारपीट होने पे बाद क्या नाम विवेकानंद मिश्र ने शराब के नशे की हालत में मुझे भी दुझापड़ मारा। उसके बाद मैं अधीक्षक को गया सूचना देने, वहां भी मुझे गाली गलौज कर रहे थे। तो ये घटना होने के बाद तो जो मरीजों का देखना का बंद हो गया था? नहीं, बंद नहीं हुआ, मैं 4:30 बजे तक पूरा पेशेंट निपटा के उसके बाद तब गया हूँ, ओपीडी बंद किया। तो क्या ये मामला अभी तक पुलिस के संज्ञान में है कि नहीं? नहीं, पुलिस के संज्ञान में नहीं। मैंने अपने अधीक्षक को अवगत करा दिया है। आज सुबह काफी चर्चा का माहौल रहा कि अस्पताल बंद है, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने क्या नाम बता दिया कि मैं ओपीडी नहीं करूंगा, फिर कोई बवाल हो जब तक उसमें मामला कुछ होता नहीं जब तक मैं ओपीडी नहीं करूंगा। किससे आपने कहा था? अधीक्षक से भी कहा था, क्या नाम है मेरे एक गुप्ता जी से मैंने कहा था। अच्छा, तो आज आप लगभग कितने बजे आए हैं? मैं जब फोन आया तो मैं ये क्या नाम है 12:30 बजे 12:40 पे आया हूँ। 12:40 पे, मतलब इसके पहले तक मरीज जो है भटकते रह गए। तकते बगल वाली बिल्डिंग में महिलाएं डॉक्टर अपना उसमें देख रही थी। फिलहाल इस अस्पताल परिसर में तो मरीजों को नहीं देखा जा रहा था? नहीं, मतलब 12:30 बजे के बाद यहाँ पे मरीजों को देखना जी मैंने शुरू किया।